స్వరాష్ట్రంలో ఉర్దూ భాషకు ప్రాముఖ్యత పెరిగిందన్నారు హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ. ఉర్దూ భాషకు సీఎం కేసీఆర్ అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. తెలంగాణ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా రవీంద్ర భారతిలో ఉర్దూ అకాడమీ నుంచి కవులకు అవార్డులను మహమూద్ అలీ ప్రదానం చేశారు. ఉర్దూలో అనర్గళంగా మాట్లాడే సత్తా సీఎం కేసీఆర్ కు ఉండడం మనకు గర్వకారణమన్నారు మహమూద్ అలీ. मिजाह निगार खवातीन नहीं के बराबर हैं. 1:40 पर हम सब यहाँ से तामगाह की तरफ जाएंगे. आप सब लंच करके जाना है, आप सबको ये खुशगवार ऐलान करना है और किसी को उठना नहीं है, पूरा बैठना है, गए तो फ़ायदा भी नहीं है. डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेश मुदीर हफ्तरोज़ा गवाह के उर्दू अकेडमी और सहायता अकेडमी की जानिब से काफ़ी हमारे शायरों को जो हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाई को अवार्ड दिया जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है. बहुत अच्छे अच्छे अशआर लिखकर लोगों में अवेयरनेस पैदा किया है. हमारे वेंकन्ना की तरक्की की मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती. 18 साल तेलुगु देशम ने यहाँ पर हुकूमत की. बताइए किसी किसको उर्दू आती थी? एक डॉक्टर चिन्नाडी साहब सही उर्दू बात क्या करते थे, क्योंकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़े थे. और ऐसे कई चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें उर्दू में बात करना भी नहीं आता था, पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ना उर्दू में बात करते हैं बल्कि उर्दू में अच्छे अशार भी कहते हैं, जिसके लिए हमें प्राउड है. 400 करोड़ रुपये, 2130 करोड़ रुपये, आप बताइए. ये की बात बताता हूँ, बहुत से बड़े बड़े दानिशर और यहाँ पे मीडिया के हजरात हैं. ये 10 साल हमसे पहले जो हुकूमत थी, सारे 10 साल के अंदर मुकम्मल जो बजट का खर्चा हुआ था वो बजट सिर्फ 1200 करोड़ था 10 साल के अंदर. और सीएम साहब ने 10 साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है मुसलमानों के लिए, सिर्फ ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए.